मात्र दो टीम्स बची हुई हैं, टीम गॉडलाइक एंड टीम एक्सोसियन। ये फ्लैंक एंगल जॉनथन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जिन्होंने फ्लैंक एंगल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट अभी के लिए बेहतरीन मूवमेंट्स वहां पर दिखाई, अभी के लिए बच चुके हैं। बट जॉनथन को फिर से स्पॉट किया गया, चारों तरफ से यहां पर घेर के जॉनथन हो चुके हैं डाउन। क्लच गॉड आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं, बट क्या टीम यहां पर जीतेगी? क्लच गॉड को भी आई थिंक यहां पर डाउन कर दिया, गॉडलाइक का आखिरी प्लेयर 4v1 का सिचुएशन बन चुका है। टीम एक्सो आखिरी प्लेयर को खोजने की पूरी कोशिश करते हुए जी गॉड को रिवाइव दिया गया था, फियर्स को यहां पर डाउन कर दिया गया है। जी गॉड की हेल्थ बहुत ज्यादा कम, कुछ ही समय पहले हमें विनर विनर चिकन डिनर देखने को मिल सकता था। मुझे लगता है स्पॉट किया गया, बड़ी मॉडल की बात करें उसको यहां पे थोड़ा सा डैमेज दिया गया, बट नॉक नहीं करता है। पंख नीचे के साइड पे मौजूद है, डैमेज बहुत ज्यादा। सब सारे के सारे प्लेयर इंतजार कर रहे हैं कि जी गॉड कब पीक करेंगे और इसी के साथ उनको खत्म किया जाएगा। फियर्स शायद वो देख सकते हैं जी गॉड को आज के दिन पे, उनका बोलबाला हमें दिखाई दिया, 6 टोटल फिनिशर्स उनके पास है। जी गॉड अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, बट फियर्स उनको पता जरूर चलेगा कि ऊपर किस तरीके से चढ़ा है, वहां पे थोड़े से बैंडेजेस भी फेंके जा रहे हैं।